हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग. लेट्स स्टार्ट योर लेसन 5. दिस इज लेसन 5, चैप्टर 5, एंड लेसन नेम इज एक्वेटिक डोमेन. ये जलीय जंतुओं की एक दुनिया है, यानी जो सी में या नदियों में रहते हैं उन जंतुओं के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है, आपसे पूछा गया है. आपको उन्होंने एक सेंटेंस दिया है और क्लू दिया है और आपको इसमें इसके आंसर को पता लगाना है. ओके, चलिए शुरू करते हैं. नंबर 1, आई पफ माई सेल्फ टू लुक बिगर एंड स्केरी फॉर माई एनिमी. हु एम आई? मैं क्या करती हूँ, अपने आप को फुला लेती हूँ खूब, और फुला लेने से बड़ी सी दिखती हूँ या बड़ा सा दिखता हूँ, जिससे मेरे एनिमी मीन्स दुश्मन डर जाते हैं. मैं कौन हूँ? देखिए क्या लिखा है, पॉर्क्यूपाइन. ये जो फिश है एक्वेटिक, इसको बोलते हैं पॉर्क्यूपाइन. ओके, नंबर 2, आई एम द फास्टेस्ट फिश विच कैन ट्रेवल अप टू 109 किलोमीटर आवर्स. हु एम आई? मैं सबसे तेज तैरने वाली फिश हूँ. और मैं क्या, कितना दूर तक जा सकती हूँ? 109 किलोमीटर जा सकती हूँ वन आवर में. एक घंटे में 109 किलोमीटर तक सेल कर सकती हूँ, तैर सकती हूँ. और मेरा नाम क्या है? सेलफिश. इसका नाम ही इसीलिए सेलफिश. और इसका फिगर देखिए, बिल्कुल तैराक जैसा है. ओके, नंबर 3, आई लिव इन रीफ्स एंड स्लीप्स इन केव्स सून आफ्टर डार्क. आई रैप माई सेल्फ इन अ कोकून. ये देखिए, जो समुद्र के नीचे का जो की दुनिया होती है, वहाँ पर बड़े बड़े से रीफ्स होते हैं, वहाँ पे रहती हैं और बिल्कुल डार्क में रहती हैं. और ये देखिए इसका फिगर. ओके, इसका आंसर क्या है? पैरट की, पैरट फिश. ओके, नंबर 4, आई हैव 8 लॉन्ग आर्म्स. इसको आपने बहुत सारे कार्टून्स में देखा होगा, ऑक्टोपस के बहुत से कार्टून्स बने हुए हैं ना, इसके 8 होते हैं आर्म्स, 8 हाथ दिखते हैं और इनका नाम है ऑक्टोपस. इस स्पेलिंग आप इसको ध्यान से देख लीजिए. माई शेप इज लाइक अ स्टार. मेरा शेप एक तारे जैसा है. If you cut off my arms, अगर आप इनमें से, ये देखिए इसके 5 arms हैं, और कोई भी एक arm अगर आप कट भी कर देते हो, new arms will grow. ये आप कहीं से भी कट कर दोगे तो वापस से इसका arm जो है अपने शेप में कुछ दिनों बाद बढ़ जाता है. जैसे आप जानते हो, छिपकली की पूंछ भी अगर कट जाती है तो कुछ दिनों बाद वो ग्रो कर जाती है. और इनका नाम क्या है? स्टार फिश. देखिए स्टार जैसे इसका फिगर भी है, दिखती भी स्टार जैसी है, और इसका नाम है स्टार फिश. आई एम द स्मॉलेस्ट क्रैब ऑफ द पी साइज. मैं इतना छोटा हूँ जैसे एक मटर. ये देखो, अगर हथेली भी ले लेते हैं तो ये फिंगर के एक छोटे वाले पार्ट के बराबर आ जाता है. ठीक है, हु एम आई? मैं कौन हूँ? पी क्रैब. इसका नाम ही पी क्रैब है. पी मीन्स मटर के दाने जितना है, और इसकी डिजाइन देखो, ये क्रैब है. आई कैन एंटर द ग्रीन ग्रास डोर बट आ फिश कांट. आई कैन एंटर द ग्रीन ग्रास. वो कहाँ एंटर कर सकता है, कहाँ जा सकता है? ग्रीन ग्रास में. बट अ फिश कांट. ठीक है, जहाँ फिश भी नहीं जा सकती, मैं वहाँ जा सकता हूँ. ईल, इसका नाम है ईल. ये देखिए आपका है ये नंबर 5 चैप्टर, और ये हैं आपके सारे आंसर्स. इन्हें आपको कॉपी में नहीं करना है, इसको आपको बुक में ही फिल करना है. ओके, आप सारे लोग इसको बुक में फिल कर लीजिए, और एग्जाम टाइम में या टेस्ट में आपको ये वन वर्ड के रूप में, क्वेश्चन के रूप में आपको ये पुटअप किया जाएगा. ओके, टेक केयर, बाय बाय.